दोस्तों, अगर आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर आपका फेवरेट चार्ट पैटर्न बन रहा हो, तो आप उसको वन क्लिक में आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, आज हम लोग यही देखेंगे कि हम अपने मनपसंद के चार्ट पैटर्न को एज ए स्क्रीनर यूज कर सकते हैं एंड फटाफट स्टॉक्स को निकाल सकते हैं, वॉचलिस्ट बना सकते हैं एंड ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे बेस्ट क्या है, डबल टॉप डबल बॉटम रहता है। इसको कैसे यूज करना है, कौन सा स्क्रीनर यूज करना है जो कि बिल्कुल फ्री है, और आप ऐसे ही डबल टॉप डबल बॉटम डब्लू पैटर्न, यहाँ तक कि आप हेड एंड शोल्डर ट्रायंगल पैटर्न, सब कुछ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिस भी टाइम फ्रेम में आपको करना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपको इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सी वेबसाइट का यूज करना है एंड ट्रेड कैसे करना है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, तो बहुत ही छोटी वीडियो रहेगी, आप आराम से देख सकते हैं पूरी वीडियो एंड ट्रेडिंग कर सकते हैं इसको यूज करके। करना क्या है, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। कैसे ओपन करना है चलिए बता देते हैं। देखिए दोस्तों, इसका नाम क्या है, TRTSR, ठीक है। इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जैसे आप इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ पे देखिए इसकी लिंक हम आपको डायरेक्ट दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे इस पेज के अंदर। इसको कैसे यूज करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, डबल बॉटम पोटेंशियल टिक डेली ईओडी फ्यूचर एंड ऑप्शंस स्टॉक्स। इसका मतलब क्या है कि ऐसे कुछ स्टॉक्स जिसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है, जो कि डबल बॉटम बना चुके हैं, ऊपर जा सकते हैं। ये क्या करेगा, डेली बेस पे आपको बता रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, 5 मिनट का लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए इस वेबसाइट के ऊपर, तो कमेंट करिएगा, हम ट्राई करेंगे आपको फुल कंप्लीट नॉलेज देने के कि इसको कैसे यूज करना है। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसको कैसे यूज करना है, जो डबल बॉटम है एंड डबल टॉप रहेगा। लेकिन हम लोग बाइंग करेंगे तो इसलिए हम लोग केवल डबल बॉटम पे ट्रेड करेंगे एंड वहाँ से हम लोग एक अच्छा रिवर्सल कैच करने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, डबल बॉटम कैसे ट्रेड किया जाता है ये इंटरेस्टिंग रहता है। ऐसे अगर आप डबल बॉटम ट्रेड करने जाएंगे तो वहाँ पे आपका SL भी जा सकता है एंड वहाँ पे आपको लॉस हो सकते हैं बड़े, क्योंकि क्या होगा कि अगर ब्रेकडाउन हो जाएगा तो आपके SL के साथ साथ आपको बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसको कैसे प्ले करना होता है, बहुत ही सिंपल तरीका है। करना क्या है, सिंपल आपको RSI लगा लेना है। क्या नाम है इसका, RSI। देखिए आपको इंडिकेटर के अंदर चले जाना है, RSI यहाँ पे आपको टाइप करना है। जब आप लगाएंगे तो शायद आपकी सेटिंग कुछ भी रही हो। करना क्या है, इसको रीसेट कर देना। रीसेट करने के बाद करना क्या है, सभी को ऑफ कर देना है, ठीक है। क्या करना है, सभी को ऑफ कर देना है, क्योंकि हमको यहाँ पे केवल RSI देखना है, ना कि इन सभी चीज़ों को, ठीक है। क्या करना है, इनको क्या करना है, ऑफ कर देना है एंड आप इसका यहाँ पे थिकनेस बढ़ा सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी, हमको कैसे ट्रेड करना है। देखिए स्टॉक्स तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेंगे, कितने ही स्टॉक्स हैं, मुश्किल से यहाँ पे 5 स्टॉक आपको मिले हैं एंड आप तरह तरह के यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी हम आपको आखिरी में दिखा देंगे कि कौन कौन से आपको चार्ट पैटर्न यहाँ पे मिल जाते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डबल बॉटम को कैसे ट्रेड करना है एंड आप वीकली यहाँ पे आप आराम से 7-8%, 5%, यहाँ तक कि आप क्या है 10-10% भी बना सकते हैं अगर मोमेंटम आ गया तो। स्टॉप लॉस कितना लगेगा, 1-2% का स्टॉप लॉस लगेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, RSI के अंदर एक फैक्टर है, RSI डाइवर्जन। RSI डाइवर्जन अगर आपको कहीं पे भी मिल जाता है, किस केस में, डबल बॉटम या फिर डबल टॉप के केस में, हम अगर इसको देखेंगे तो ये हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक डाइवर्जन ऊपर की तरह मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, जब मार्केट इधर था, जब ये रेड कैंडलस्टिक बनाई हुई थी, तो RSI कहाँ पे था, देखिए नीचे था, लेकिन प्राइज क्या है, सेम थी। प्राइस देखिए इस रेड कैंडल स्टिक में सेम थी जगह पे, लेकिन RSI ऊपर चला गया। तो इसके बीच में क्या हुआ, एक डाइवर्जन हुआ। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर की तरह ड्रॉ होगी, मतलब कि ऊपर
ड्रॉ होगी ना कि नीचे की साइड में, ठीक है, ये ऊपर की साइड में ड्रॉ हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हाई पोटेंशियल है कि अब ये स्टॉक्स यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। कैसे ट्रेड करना है यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एज पर एजुकेशन पर हम आपको बता देते हैं कैसे प्ले करना होता है RSI के बेस पे। आपको एक ग्रीन कैंडलस्टिक यहाँ पे चाहिए, डाइवर्जन बनने के बाद, डबल बॉटम बनने के बाद। स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे रहता है, ठीक है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे नीचे रहेगा। एंड टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पे ये ले सकते हैं जो आपका नेक रहेगा W का, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टारगेट टॉप तक का रखेंगे। ऐसे हम लोग स्विंग भी प्ले कर सकते हैं, हमको आराम से 8 से 10 दिन के अंदर प्रॉफिट मिल सकता है, इसके अंदर हाइयर चांस होता है। अगर हम देखेंगे जहाँ पे भी डबल टॉप बॉटम बनते हैं तो वहाँ पे RSI का अगर हम यूज करते हैं तो हमको बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल जाता है, ठीक है। हम अगर आपको दिखाना चाहेंगे तो बढ़िया मोमेंटम डबल बॉटम डबल टॉप पे मिला हुआ है। अगर आप थोड़ा बैक टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या बन रहा था, डबल टॉप बन रहा था, ठीक है, क्या है, डबल टॉप बन रहा था। एंड यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे तो एक क्या है, डाइवर्जन टाइप का ही बन रहा था यहाँ पे। तो उसके बाद क्या है, मार्केट नीचे गया है। अब चलिए हम एक और स्टॉक्स ओपन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे टाटा स्टील है, ठीक है, टाटा स्टील को ओपन कर लें। ये यहाँ पे देखिए सेल अभी हमने ओपन किया हुआ था ना, तो यही आपको हमने दिखाया है टाटा स्टील। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे ये डबल बॉटम को आइडेंटिफाई कर पाया है कि नहीं कर पाया है, ठीक है। टाटा स्टील ये ले लीजिए, डेली टाइम फ्रेम पे है, ओके, ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, डबल बॉटम बन रहा है। एंड अगर हम देखेंगे RSI की तो RSI भी यहाँ पे हमको एक अच्छा दिख रहा है, पैटर्न बना रहा है ना, ये देखिए दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम प्ले कर सकते हैं एंड ऊपर तक के ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, कि आप इसी को बाई कर लें, टाटा स्टील को ही, ऐसा नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि लाइव में कैसे काम करता है एंड हम इसके थ्रू आपको बता रहे हैं जो ये वेबसाइट बता रही है TSR, ओके। अब यहाँ पे देखिए अब इसको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, इसको ट्रेड कैसे करना है। अगर आपको स्विंग प्ले करना है तो आप 4 घंटे का चाहें तो लगा सकते हैं, जो भी आप चाहें लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए क्या है, देखिए ये जो अपना इंडिकेटर है ना, मार्केट मैग्नेट एल्गो इंडिकेटर, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसने कॉल का ट्रेड दिया हुआ ना, तो यहाँ पे आप लोग ट्रेड कर सकते थे, कब, जब ADX 20 के ऊपर जाएगा तब, ठीक है। तो इसके यहाँ पे सेटिंग करके हम लोग कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए जब तक नेक नहीं ब्रेक होगा आपको पोजीशन ऐड नहीं करना रहता है, जब नेक ब्रेक होता है तो वहाँ पे लोग जा सकते हैं। ये क्या है, अगर हम देखेंगे तो डबल बॉटम नीचे से बन रहा है एंड अगर हम पूरा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है बन रहा है अपना एक W, क्या है, W पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग प्ले कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएंगे तो अभी बैकएंड में इससे काम चल रहा है, जो अपना मार्केट मैग्नेट एल्गो इंडिकेटर है ना, तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें ऐड किया जाएगा। सबसे पहले क्या है, BTST का भी यहाँ पे फीचर आएगा मार्केट मैग्नेट एल्गो इंडिकेटर के अंदर। जो लोग भी ट्रेड नहीं कर पाते हैं, छूट जाता है, तो लोग BTST भी ट्राई कर सकते हैं, हाई एक्यूरेसी रहेगी। एंड यहाँ पे क्या है, कस्टमाइजेशन आप वॉचलिस्ट बना सकते हैं एंड लाइव प्राइस यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे चेंज होता हुआ। तो ये कुछ अपडेट आपको कुछ दिनों के अंदर मिल जाएगा, मे बी कुछ दिनों के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो आ जाएगी तो आप उसको देख लेना। और एक बात का ध्यान रखना, जो लोग भी नए हैं तो अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, अपडेट आने के बाद प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, तो बाद में नहीं कहना कि प्राइस बढ़ गई है, ठीक है, वेबसाइट पे आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम दूसरा स्टॉक्स ओपन करेंगे तो उसमें भी यहाँ पे आपको यही सेम देखने को मिल जाएगा। क्या है, जैसे NMDC, इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। NMDC देखिए यहाँ पे क्या बनना है कि नहीं बनना है, क्या बताया इन्होंने, डबल बॉटम, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, शायद यहाँ बड़ा बनना है ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा बड़े साइज का बन रहा है, तो भी यहाँ पे चल सकता है, ओके, कोई यहाँ पे, क्योंकि ये हाइयर टाइम फ्रेम पे है ना, तो इधर के आसपास अगर हम बाइंग करेंगे, अच्छी कैंडलस्टिक बनी तो छोटा सा SL रहेगा, टारगेट ऊपर तक जा सकता है। तो ऐसे हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अगर हम आपको और दिखाना चाहें कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, देखिए दोस्तों, जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे, चार्ट पैटर्न मिलेगा, पॉपुलर चार्ट पैटर्न में जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो आप यहाँ पे अपने जो फेवरेट हैं चार्ट पैटर्न उनको यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिपल बॉटम देखना है तो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर पोटेंशियल लिखा हुआ है ना, उसको आप अगर वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे, तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, अगर हम आपको यहाँ पे ये दिखाएंगे, ये स्टॉक हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं, हर्षा, ओके, HARSHA, ओके, इसको यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या है, अप्रॉक्स ट्रिपल क्या है, बॉटम बनना है, तो इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं ना अच्छे से, देखिए। और अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आपको एनालिसिस आती है ना कंप्लीट, तो ही आप इसका यूज करके ट्रेड कर पाएंगे। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं, तो उससे अच्छा कि आप इसका यूज करिए। अब जो अपना इंडिकेटर है, ये जब आपको सिग्नल देगा तो आपको एंटर कर लेना है, स्टॉक्स आप यहाँ से आइडेंटिफाई करके रख सकते हैं, ठीक है। और इंडिकेटर आपको क्या है, लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा, लोअर लाइफ टाइम तक बिल्कुल आपको फ्री में अपडेट भी मिलते रहेंगे। एंड अगर किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत होती है तो आपको गाइड कर दिया जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए कितने अच्छे मोमेंटम आया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मिड पॉइंट जो है अपना किस डेट को बना है ये भी बता देता है, फर्स्ट बॉटम कब बना है ये भी आप यहाँ पे देख लीजिए, 19 जुलाई अगस्त, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इसको आप स्कैन कर सकते हैं, आपको बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है इन स्टॉक्स के अंदर। एंड इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वीडियो बनाएंगे तो अप्रॉक्स एक घंटे की बनेगी, तो इसको हम लोग क्या है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक है। और इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप बड़े आराम से इसको ओपन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप लिंक पे ओपन करेंगे वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, और अगर आप चाहें तो यहाँ से आप मैनुअल भी जो है अपने हिसाब के जो है चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस टाइप के जो आप यहाँ पे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो इसमें पोटेंशियल ज़्यादा रहता है, मोर देन यहाँ पे जो भी आप और तरीके से स्कैन करते हैं चार्ट्स को, तो ठीक है। और हम आपको बताएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने वेबसाइट का जो है लिंक दे देंगे, मार्केट माइंड एल्गो इंडिकेटर का, तो यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं, जितने भी टाइप की आपकी प्रॉब्लम है सब कुछ यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। एंड यहाँ पे आप क्या है क्लिक करके लाइफ टाइम के लिए बाई कर सकते हैं, और आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा जिसमें आपको फुल वर्जन का यहाँ पे मिल जाएगा। ये क्या है, व्यू ओनली मोड है, तो ये ज़्यादा आपके काम का नहीं रहेगा अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं तो। ये जो बेसिक वाला है ये फुल वर्जन आपको मिल जाएगा वन टाइम पेमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे अपना जो भी है डाल के फ़ोन नंबर ईमेल आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। एंड आपको तुरंत एक्सेस दे दिया जाएगा और आपको अपडेट भी बिल्कुल फ्री में मिलते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे आपको ऐसे ही यूज करना है, कोई भी स्टॉक्स को स्कैन करना है, सर्च करना है, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। एंड आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स भी यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई और वेबसाइट पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने सीख लिया इसको कैसे यूज करना है तो, ओके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, और आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको मार्केट रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। और अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, जिस भी टॉपिक पे चाहिए कमेंट करिए, हम ट्राई करेंगे आपको यहाँ पे बहुत ही सरल भाषा में आपको यहाँ पे समझाने की कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।